तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं फ्रेंड्स, जो आपको मैक्सिमम यूट्यूबर नहीं बताते हैं। क्योंकि मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ओके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा होने वाला है आपके लिए, इस प्रोडक्ट में कितने सारे बेस्ट और कितने सारे बैड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इस टैबलेट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये टैबलेट आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, इस टैबलेट में आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसका बैटरी का बैकअप कैसा होगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, और ये आपके लिए कैसा होगा, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप एक अच्छा टैबलेट बाई करना चाहते हो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो, ओके, और लाइक अगर आप स्टडी के बाई करना चाहते हो, तो ये टैबलेट आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, या फिर मूवी वॉच करने के लिए बाई करना चाहते हो तो ये कैसा होने वाला है, गेम खेलने के लिए बाई करना चाहते हो तो ये कैसा होने वाला है, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना फ्रेंड्स, कोई भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ फ्रेंड्स, सो डैट मेरा थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए, देयर आफ्टर मैं भी प्रोडक्ट को बाई करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। सो प्लीज़ आप सभी से पोलाइट हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको टैबलेट स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, जिसका स्क्रीन का लुक इतना बैड आपको देखने को नहीं मिलता है, ओके। तो ये कुछ टैबलेट आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके फीचर्स की, MRP की, और इसकी परफॉर्मेंस की, और ये टैबलेट आपके लिए कैसा होगा, ओके। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट का जो मॉडल नेम है अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिला है, आईकाल N19 Pro, ओके। तो ये इस टैबलेट का मॉडल नेम है। इस टैबलेट में आपको 3 GB का रैम, 32 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो ये आपको 8 इंच का स्क्रीन साइज़ देखने को मिल जाता है, यह 4G टैबलेट होने वाला है। MRP की बात करें 7,499 रुपये, जो काफ़ी मेरे अकॉर्डिंग इतनी लो MRP नहीं है और ज़्यादा हाई भी नहीं है, मीडियम MRP है 7,499 रुपये का ये आपको मिल जाता है, ओके। हो सकता है इससे भी लो MRP में मिल जाए, क्योंकि इसकी MRP डे बाई डे चेंज होती रहती है। 3 GB का रैम, 32 GB का स्टोरेज, मेमोरी कार्ड इसमें आप 128 GB तक लगा सकते हो, ओके। स्क्रीन के साइज़ की बात करें तो 8 इंच का स्क्रीन का साइज आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, ओके। और कैमरे की बात करें तो आपको प्राइमरी कैमरा, जो बैक का कैमरा देखने को मिलता है, वो 8 एम्पियर का, फ्रंट का कैमरा 5 एम्पियर का देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड का वर्जन भी बेस्ट होने वाला है, ओके। बैटरी बैकअप की बात करें तो आपको 4000 mAh का लिथियम का, ओके, बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। इसमें सिंगल सिम वर्क करता है फ्रेंड्स, आप 2 सिम इसमें यूज नहीं कर पाओगे, सिंगल सिम ही इस टैबलेट में यूज करता है। अब बात करते हैं कि ये आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स, अगर आप इसको बाई करते हो तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, ये देखो, ओके, ये कुछ आपको ऐसा टैबलेट देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छा टैबलेट बाई करना चाहते हो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो, लाइक स्टडी के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवी वॉच करने के लिए, तो इस टैबलेट को गलती से भी बाई मत करना, क्योंकि इसका ना तो कैमरे क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट होगी, ना परफॉर्मेंस ज़्यादा बेस्ट होगी, ओके, और ना इसमें आप गेम खेल पाओगे, ये हैंग करने लगेगा फ्रेंड्स। तो आईकाल ब्रांड का आपको टैबलेट बाई नहीं करना है फ्रेंड्स, ये मैं आपको रियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा, क्योंकि रियल इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़
सब्सक्राइब जरूर करना सो डैट मैं आपको ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहूँ फ्रेंड्स। ओके और जल्दी ही मैं रियल रिव्यू रियल अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी इग्नोर मत करना। लाइक अगर आप इसको बाई करते हो तो उसका बैटरी भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी, कैमरे की क्वालिटी भी नहीं अच्छी होगी, ओके और ये अच्छा चलेगा भी नहीं। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप एक टैबलेट बाई करना चाहते हो तो रियलमी लिनो ऐसे ब्रांड का बाई कर सकते हो, डेल का बाई कर सकते हो, ऐसे ब्रांड का टैबलेट बाई कर सकते हो। हो सकता है आपके पॉकेट में इतना बैलेंस ना हो कि आप 10 से 11 हज़ार रुपये का एक अच्छा टैबलेट ब्रांडेड टैबलेट बाई कर सको, तो आपको क्या करना है, आपको ओएलएक्स के थ्रू कोई सेकेंड हैंड ओके टैबलेट बाई कर सकते हो। जब उसको बाई करने जाओ तो वहाँ पर अच्छे से ओके वर्क करके देख लो कि सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ओके। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है, ये आप अपनी सिटी में ही फाइंड कर सकते हो। आप लखनऊ में रहते हो, एमपी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, इंदौर में रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, वहीं की स्टेट की लोकेशन ओएलएक्स पे सर्च करके आप टैबलेट सर्च कर सकते हो और आपको बहुत सारे टैब फाइंड हो जाएंगे जो लोग सेल कर रहे हैं ओके। तो जब आप उसको बाय करने जाओ तो अच्छे से एक एक फीचर्स को चेकआउट कर लेना कि सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, देन आप बाय कर सकते हो ओके। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट रहेगा, अगर आप इसको बाय करते हो भाई तो आपका पैसा डूब जाएगा, मैं आपको यही बता रहा हूँ, क्योंकि आप इसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं कर पाओगे। सो ये वीडियो इतना ही है, अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, आपका कोई इरर, कोई क्वेश्चन कुछ भी है, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर वहीं पे करूँगा फ्रेंड्स, अदरवाइज उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा ओके। तो ये वीडियो इतना ही है, सो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लुक, टेक केयर, जय हिंद। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गुड लुक ऑफ ऑल, जय हिंद।